बागेश्वर धाम सरकार धीरेंद्र शास्त्री ने दिया विवादित बयान, सरकार ने की हद, लड़के आपस में कर रहे शादी। बागेश्वर धाम के महाराज धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री अपने बयानों की वजह से काफी चर्चा में रहते हैं। इस बार उन्होंने एक नया मुद्दा उठा दिया है। जबलपुर में उन्होंने कहा कि आजकल लड़के ही लड़कों से शादी कर रहे हैं और हद तो ये है कि भारत सरकार ने ऐसी शादी को मान्यता भी दे दी है। बता दें कि धीरेंद्र शास्त्री की 5 दिन की श्रीमद् भागवत कथा इस समय जबलपुर के पनागर में चल रही है। धीरेंद्र ने ये बयान रविवार को जबलपुर में कथा के दौरान दिया था। राधा कृष्ण का प्रसंग सुनाते हुए उन्होंने कहा कि आजकल तो उल्टा जमाना आ गया है, हनुमान जी बचाएं ऐसे जमाने से। आजकल तो लड़के ही लड़कों से विवाह कर रहे हैं, लड़का ही लड़का और बिटिया ही बिटिया। पहले का जमाना बहुत अच्छा था, लड़के की शादी लड़की से होती थी। अब आजकल तो कार्ड पढ़ना पड़ता है कि लड़के की शादी लड़की से हो रही है या लड़के से हो रही है। धीरेंद्र शास्त्री ने ये भी कहा कि हद तो ये है कि भारत सरकार ने ऐसी शादियों को मान्यता भी दे दी है। जय हनुमान जी, अच्छा युग आ गया। हम तो एक दिन सोच रहे थे ऐसे ही युग में हमारा जन्म हुआ जब लड़के से ही लड़के की शादी हो रही। कुछ दिन बाद तो स्थिति विचित्र हो जाएगी। विदेश में ये बहुत चलता है, विदेश में तो सब कुछ चलता है, अब हनुमान जी ही बचाएं। उन्होंने कहा कि बड़े बड़े शहरों में लड़के को विवाह करने के लिए लड़की की जरूरत नहीं है, वैसे व्यवस्था ठीक है। हमारे गांव में भी 2-3 कुआरे भी हैं, उनकी शादी नहीं हो रही। हमने एक विचार किया कि अगर शादी नहीं हो रही तो इन दोनों की आपस में करवा दो। जब व्यवस्था बन गई और सरकार ने मान्यता भी दे दी, कम से कम जब मरेंगे तो ब्रह्मा जी से ये तो नहीं कहेंगे कि बिना ब्याह के मर गए। गौरतलब है कि बाबा बागेश्वर की जबलपुर के पनागर में 5 दिनों की श्रीमद् भागवत कथा उदयपुर में हुई 23 तारीख की कथा के बाद हो रही है, जिसमें उनके दिए गए एक बयान के चलते उनके बयान को विवादित और भड़काऊ मानते हुए उनके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, नई दिल्ली।